मम्मी का फोन आ गया, पापा का फोन आ गया, कभी कुछ निकला हुआ काम वगैरह से, उनको भी खाने का मन हो रहा है, सब चटोरे हैं घर में। कोई भी डिश बनाने के पीछे ना 100 महीने तक लगती है। आंखों से पानी आने वाली स्पाइसी सब्जी और इनका ये हल्का खट्टा मिर्ची का अचार। अभी हम लोग हैं रोहिणी के सेक्टर 13 एरिया में, और ये जो तेरा मेरा जो सिलसिला चल रहा है ना, ये छोले कुलचे का चल रहा है। दिल्ली वालों को छोले कुलचे बहुत पसंद है, और दोपहर में छोले कुलचे का जब खाना आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। भगवती हॉस्पिटल मेरे सामने है, और यहीं से अगर आप राइट लेंगे VSPK वाली गली में तो आपको दिखेंगे छोले कुलचे। और ये हम लोग जानते हैं इनको भगवती छोले कुलचे से हैं, क्या मस्त छोले कुलचे लगाते हैं, साथ में बढ़िया सलाद देते हैं, मज़ा आएगा। दिखाते हैं आपको क्या चीज़ मिल रही है यहाँ पे। क्या नाम क्या रहता है आपका? शिवा। हम तो वही भगवती छोले कुलचे से ही जानते हैं। हाँ हाँ वही होता है, वही है जानते हैं। कभी नाम देखा ही नहीं क्या है? नहीं, इसमें तो अखबार में भी आया था। अच्छा, नहीं हम डाल देते होते ना खाने वाले डेली वाले कस्टमर होते हैं भैया। नहीं मैं वो ये वीडियो यहाँ पे के लिए है, छूट है, नहीं मैं बनाने नहीं देता जल्दी। नहीं मैं आपका पुराना ग्राहक हूं, आपको पता ही है मैं अपने माल में भरोसा करता हूँ जी। बस स्वाद अच्छा है। और इनके छोले कुलचे से ज्यादा ये जो सलाद और चटनी और ये सब लगा के देते हैं ना पूरा कार्यक्रम। रायता है? हाँ रायता भी एक रखिएगा। ये कौन सी रहती है मिर्ची है? ये हल्की होती है। ये हल्की होती है? हाँ, ये मसाले अपने सब कुटे होते हैं। अच्छा, हाँ रेडीमेड कोई सामान नहीं लगता है। पीली वाली अलग होती है? हाँ ये अलग होती है। ये चीज़ है ना, ये है मेन इनका। जैसे आमतौर पे छोले कुलचे के साथ ऐसे नाम का सलाद दे देते हैं, प्रॉपर पूरा सलाद बना के देते हैं और एकदम ठंडा रहता है। ये ठंडा करने के लिए बहुत बढ़िया बना के देते हैं, और अदरक के लच्छे, चुकंदर के लच्छों के साथ में। अभी पूरा प्लेट सजेगा ना तो आपको दिखाएंगे इनका क्या टेस्ट है। क्या दाम क्या रखे हैं आजकल? 60-60 रुपये, थोड़ा 13 सेक्टर का प्रीमियम आता है। ये हमारी छोले की बन के रेडी होगी। अब इसमें किसी को लाइट की है तो उसको एजेस मिल जाएगा, थोड़ा मीडियम चाहिए थोड़ा मसाला तेज हो जाएगा वो हमारा लग जाएगा। तो ये जो दिल्ली के छोले कुलचे होते हैं ना, जो मटरा होता है, वो दोपहर की चीज़ है। मम्मी का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, कभी कुछ निकला हुआ काम वगैरह से, उनको भी खाने का मन हो रहा है, सब चटोरे हैं घर में। इनके 60 रुपये की प्लेट में छोले कुलचे मिलते हैं, और साथ में आपको ये सलाद सजा के देते हैं मस्त एकदम बढ़िया सा, और इसके साथ में अचार और इनकी चटनी, वो टेस्ट आता है मस्त। मैं तो मेन तो ये चीज़ है, अभी आमतौर पर आते जाते ना गाड़ी में बैठ के खाता हूँ इसको, और पैकिंग के लिए लेके जाता हूँ घर वालों के लिए। घर वाले भी खुश, मैं भी खुश। मसाले आ गए, एकदम घर जैसी चटनी बनाते हैं भैया। अब से राजू भाई को याद करेंगे, वो भगवती छोले कुलचे से अब बढ़ के राजू भाई के छोले कुलचे हो गए। अरे ना, कोई बर्तन धो, कोई है तो खाना पीना होता रहता, कुछ बर्तन धो। कभी कभार आते हैं लेट आते हैं तो राजू भाई का रायता खत्म हो जाता है, फिर बगल वाले से चाय ले लेते हैं। कभी 3-3:30 पहुँचोगे ना रायता नहीं मिलेगा। और बाकी ये बढ़िया है, जब भी आता हूँ, अब मम्मी पापा खाते हैं थोड़ा कम तीखा तो उनके लिए थोड़ा कम बनवाता हूँ, फिर ये टेस्ट करवाते हैं जब भी पता लगाते हैं तो कि भाई सबके पसंद का लगे। ये है रोहिणी के छोले कुलचे, मेरे पर्सनल फेवरेट वाले हैं। छोले नॉर्मली आपको हर जगह ऐसे मिल जाएंगे, बट एक छोटी छोटी प्रेजेंटेशन वाली चीज़ होती है, अदरक के जो लच्छे डाल रखे हैं, जो चुकंदर के लच्छे डाल रखे हैं, वो एक मतलब होता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर एंड दिस थिंग। ये जो खासकर ये वाली चटनी है ना, आपको देखने में वीडियो में बिल्कुल नहीं पता चल होगा, बट ट्रस्ट मी एक बार आके खा के देखो ना, मेरे को तो लिटरली एवरी सिंगल टाइम घर की चटनी की याद आती है। और एक थोड़ा सा चार लेते हैं, काफ़ी मेमोरीज है इसके साथ। खस्ता खस्ता कुलचे, अजवाइन और तिल डाल रखा है, थोड़ी सी चटनी लेंगे, थोड़ा सा अचार लेंगे, गाजर का अचार, इन छोले कुलचे और छोले भटूरे दिल्ली वालों को खुश कर देते हैं। 60 रुपये की ये प्लेट, प्योर हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस। और अगर हल्की सी भी गुंजाइश बच जाए तो ये रायता का ग्लास सब कुछ बढ़िया कर देता है। अभी हम लोग आए अपनी अगली जगह पे, ये है रोहिणी का डिस्ट्रिक्ट पार्क 16 सेक्टर का, उसके सामने जो NDPL बिल कलेक्शन ऑफिस आई थिंक उसके पास में बेडमी पूड़ी वाले भैया किसी से भी पूछ लेंगे बता देंगे, बहुत टेस्टी बेडमी पूड़ी देते हैं, और साथ में इनका अचार हल्का खट्टा वाला, सब्जी तीखी, मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। इसका दुकान का नाम क्या है? क्या सीताराम बाजार वालों के? सीताराम बाजार वालों के, ये भी वही जगह है जो मेरे को
नाम मैंने आज पढ़ा है। कचौड़ी बनने में 15-20 मिनट लगता है भैया के हाथ की। एक बार पूड़ी खा लोगे ना आप और पूड़ी के टेस्ट भूल जाओगे। अभी एक क्रिस्पी अपनी पूड़ी लगाते हैं। मैं यहाँ से ना जब भी निकलता हूँ कुछ भी काम होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ की रोड है, 16 सेक्टर वाली रोड है ये, सीधी जाके 17 सेक्टर पे लगती है रोहिणी में। और जब भी कभी भी यहाँ से आ रहा होता हूँ ना तो एक पूड़ी लेता हूँ और सब्जी ज़्यादा रायता साथ में एक, और इनका मिर्ची का अचार है। हाँ मिर्ची का अचार भाई, ये टेस्ट आप इसके लिए मैं बता रहा हूँ रोहिणी आके खा सकते हो और याद करोगे कि वेजी बाजी ने सही जगह बताई। कचौड़ी तो है, कचौड़ी इनकी अच्छी है, लोग पसंद करते हैं। मैं पूड़ी खाऊंगा, एक पूड़ी लगा दो, बढ़िया खस्ता वाली पूड़ी डालना और मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा डाल दो, बस ये काम किया ना। ये क्या खटाई रहती है? चटनी में चटनी ये और दही। दही शुरुआत से डाल रहे हो? अभी बीच में शुरुआत कर दी थी, पहले नहीं डाल। हाँ मैं तब से कह रहा हूँ जब से दही नहीं डालते थे। ठीक है एक रायता भी दे दो। रायता क्या रुपये है? रायते का अपना प्राइस है 15 और 20। 15-20 ये वाला कौन सा है? ये 20 वाला है। ये 20 वाला है। और पूड़ी क्या रेट करती है? पूड़ी 30 रुपये है। 30 की और सिंगल 20 की होती है? सिंगल 20। हाँ लो आ गया, ये मेरा नाश्ता आ गया भैया। यही खाता हूँ मैं तो यहाँ पे। सीताराम बाजार आज नाम पता चला मेरे को। अब ना डिस्ट्रिक्ट पार्क किसी से भी पूछो, डिस्ट्रिक्ट पार्क के बेड में पूड़ी, 16 सेक्टर डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास आओ, बिजली का बिल भरो और पूड़ी खाते जाओ। चलो आ जाओ। वहाँ पे कुछ सीरियस डिस्कशन हो रही है भैया, कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है। क्या सामान नहीं आया, क्या नहीं आया पता नहीं यार। एक कोई भी डिश बनाने के पीछे ना 100 मेहनत लगती है। आँखों से पानी आने वाली स्पाइसी सब्जी और इनका ये हल्का खट्टा मिर्ची का अचार, 2-3 बार तो इनसे रेसिपी भी पूछ चुका हूँ कैसे बनता है। हाँ थोड़ा खट्टा कम है बट चलता है। ये जो है ना 5-1 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लेस डिस्कवर करी थी, और अब एक बार खा लेता हूँ फिर आपको पूरा ऐसे लोकेशन से समझाता हूँ। टू गुड। वो बस दिख रही है, बस के पीछे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास भी ना 5-6 साल पहले एक बेड़मी पूड़े वाले भैया लगाते थे और एक यहाँ पे ये लगाते थे, ये जिस पे अभी हम लोग खा रहे हैं। एक ही होती थी सब्जी करारी और एक ही होती थी पूड़ी क्रिस्पी। एंड इवेंचुअली दोनों ट्राई करने के बाद और बहुत सारी ट्राई करने के बाद दिस आई हैव नैरोड इट डाउन कि ये दिल्ली की बेस्ट में इफ नॉट रोहिणी की तो बेस्ट है ही। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं महीने में 2-3 खा लेता हूँ मैं आते जाते, सिंगल पीस ली। दिस इज़ माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, सब्जी थोड़ी ज़्यादा, आलू उसमें ज़्यादा, मिर्ची का खट्टा मीठा, खट्टा मीठा नहीं खट्टा वाला अचार, पूड़ी क्रिस्पी और रायता बस। प्रॉपर वेजी भाजी स्टाइल ब्रेकफास्ट इन रोहिणी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वेजी भाजी को सब्सक्राइब करना। बात करेंगे ऐसी किसी और बढ़िया खाने की वीडियो में। अभी चल रहा है संडे स्पेशल्स, दिल्ली का खाना वेजी भाजी के साथ। बाय बाय।